दुनिया का सोना चांदी रुपए पैसे हमारा जीवन को बचाएगा, लेकिन जिसके पीछे हम दौड़ते हैं आज वही हमारा जीवन को खोखला कर रहा है। मसीह के साथ चलना। कितने लोग चाहते हैं ब्रेक? हेलो, कितने लोग ब्रेक चाहते हैं? अभी दो पॉइंट और बचा है। ओ, पीछे वाला ब्रेक चाहते हैं, जाइए आपके लिए छुट्टी। हालेलुया। और ये जैसे आधा रास्ता में था, मैं खत्म करके मैं ब्रेक दे दूंगा, आधा रास्ता में था, उनके घर वाले बोल रहे मर गई तेरी बेटी, अब क्या फायदा यीशु मसीह में जाने से, इंद्रिय वंचा। पहला मैं रुकावट बताया विश्वास में चलने का, अपने मन का विचार, और दूसरा रुकावट बाहरी का विचार, बाहरी रुकावट। कौन बाहरी रुकावट? उसके नौकर लोग आए। यार के घर से कौन आया? नौकर लोग हैं ना, कुछ लोग आए उनके घर से, यहाँ लिखा हुआ है, और बोले यार यार अब यीशु मसीह को दुख मत दे, आधा रास्ता काहे पैदल चला रहा है भाई, गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, काहे उतना दूर तक चलेगा, तेरी बेटी तो मर गई, क्या फायदा ले जाने में। दूसरा रुकावट याद रखिएगा, काका बड़ा चाचा चाची इंद्री मन जा, माल मन जा काका, इंद्र के का देना। दूसरा रुकावट, आपने यीशु मसीह को पकड़ा है, आप यीशु मसीह के लिए चले हैं, ये आपका निर्णय होना चाहिए कि आप चले और कब आप रहें और कब आप छोड़ें। लेकिन दूसरा रुकावट यहां पे यार के घर से नौकर लोग बोल रहे हैं, यार यार यीशु मसीह को मना कर दे, उसको दुख मत दे, तेरे घर में अब कुछ होने वाला नहीं है, तेरी बेटी मर गई, लोगों को लगता होगा अब बहुत लेट हो गया आपका घर में, अब यीशु मसीह को छोड़ दो, अब पास्टर को मत बुलाओ, अब कलीसिया में मत जाओ, अब इतना साल तो चल करके देखे आधार से तो चले ही ना, और बिगड़ रहा है आपका घर का हालत, आपके बच्चे तो बदल नहीं रहे हैं। लेकिन सावधान में रहती हूँ, उनको कहे मैं यीशु के साथ चल रहा हूँ, मेरा जीवन इंतजार कर रहा है। ताले बजाते हुए आराधना करें। दूसरा रुकावट मेरे प्रियो, लोगों बोलेंगे तेरी बेटी मर गई, कुछ नहीं हो सकता, तेरा बिजनेस, तेरा खेती बाड़ी, तेरा जीवन अब बदल नहीं सकता, लेकिन जीवन देने वाला यीशु के साथ आप चल रहे हैं, वो मरा नहीं परंतु एक रात भर का नींद है। हालेलुया। हमारे जीवन में हो सकता है कितने लंबी रात क्यों ना हो, आपके जीवन में शायद, किसी के जीवन में हो सकता है दो घंटे का रात हो, किसी का जीवन में थोड़ा लंबा इंतजार कराना हो रहा होगा, शायद किसी का जीवन में आप कई साल से आप प्रार्थना कर रहे होंगे, रात कितनों भी लंबी हो लेकिन नया सवेरा आपके जीवन में आ रहा है। आज मैं कहना चाहूंगा, प्रभु को धन्यवाद करें ताली बजाते हुए, आज मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, आपका रात आज कितनों भी लंबा क्यों ना हो, उस समय तक आप चलते रहिए, नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन इसमें रोकने वाला पहला चीज दूसरों को देखना, और दूसरा बताया आपका पड़ोसी, आपके लोग बोले अब कुछ नहीं होगा, यीशु मसीह को मत लेके जाओ, अब कुछ नहीं होगा, देखे ना मर गई, यीशु मसीह के साथ चल रहे हो क्या फायदा, चर्च जा रहे हो क्या फायदा, पास्टर आपके घर में आ रहा क्या फायदा, अब खत्म हो गया, आप बदल नहीं सकता। उनको कहें यदि यीशु है तो सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। यीशु में भरोसा करने, मसीह में भरोसा करने, कभी नहीं छोड़ी थके, कभी ना पेड़ा गिरे, तेरे संगे रही रे। हालेलुया। चलिए ताली बजाते हुए मिल करके गाएंगे, यीशु में भरोसा कर ले, मसीह में भरोसा कर ले, ताली बजाते हुए भरोसा कर ले
कभी नहीं छोड़ी तो कभी न तेरा गिरे तेरे साथ में रही दे बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इन्होंने बात को मान करके यीशु को वापस कर दिया क्या? यार ने बोला उस महिला को डांटा क्या जो यीशु मसीह को बीच में लेट करा दी? लेकिन हम लोग और आप लोग रहते तो किसको डांटते बताइए? किसको बोलते? किसको? महिला को या तो यीशु मसीह को? उन लोग बुलाए तो मैं बुलाया था। आज भी दोष देने वाले लोग कम नहीं है। निंदस ही वजह से निंदस खराब मन जस निंदस गाड़ी कुत्ता दस निंदस निंदस ही नींद मतलब तांगदस बिगड़ो बस निंदस एंगदान गाड़ी कुत्ता कुत्ता बंगता जा आज से बंगता इसका तानिम बंगा। समझ में आ रहा है चर्च विश्वासी लोग? आज भी दोष देने का कमी नहीं है। खुदे का ठचक ठचक चलना और जब दोष देने का बारी आए यीशु मसीह लेट किया इसलिए मेरी बेटी मरी यही रोक दिया वहां पर महिला रोक दी। आज भी विश्वासी लोग पड़ोसी को अपना बेटा तो बिगड़ा अपना बेटी तो बिगड़ी आसिम बिगड़ा जासिम नकदे मुंता चस हाँ है ना वाला चस ना बोतल में डाल। समझ में आ रहा? आज गांव में यही हो रहा है। कहीं पर भी अब देखिए दोष दे रहे हैं लेकिन यहां पर यही ने किसी को दोष नहीं दिया। जब सुना उसकी बेटी मर गई है शायद उसके कदम शायद कमजोर हुए होंगे जो जोर जोर से चल रहा था कोई किसको दुख नहीं लगेगा उसकी बेटी का मौत को सुनकर के। शायद मैं समझता हूँ उसकी आंखों से आंसू बह रहा होगा शायद उसके कदम जो तेज चल रहे थे शायद कमजोर हुए होंगे लेकिन एक बात उन्होंने करना नहीं छोड़ा यीशु के साथ चलना बंद नहीं किया। हालेलुया। उसके आंखों से आंसू बह रहा है उसके कदम शायद कमजोर पड़ गए शायद वो चलने के लायक शायद इस सूचना को सुन करके शायद नहीं होगा लेकिन उन्होंने कहा प्रभु तू मेरे साथ चलना ही और मैं भी तेरे साथ चलूंगा ही। हालेलुया। आज आप गरीबी में रहे यीशु के साथ चले आपके कदम कमजोर हो जाए यीशु के साथ चले आज आपका प्रार्थना नहीं सुना दे रहा है यीशु के साथ चले जय आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। शायद आपके जीवन में जैसा आप उम्मीद गिरे हैं वैसे नहीं हो रहा है आपके आंसू गिर रहे हैं फिर भी यदि आप टूटते हैं यीशु के हाथ में आपको जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो टूटे हुए चीजों को तुझ नहीं जानता। दो घटनाएं ऐसे हैं एक पुराने नियम का उदाहरण दूं एक नए नियम का। पुराने नियम में है यिर्मयाह का पुस्तक 18 अध्याय। एक कुम्हार था मटका बना रहा था और मटका बनाते बनाते कुम्हार के हाथ से कभी मटका बिगड़ता है क्या? नहीं बिगड़ता है लेकिन किसका गलती था? ढचक ढचक वालों का। वो डीजे बजा उधर भी ढचक ढचक और इधर जिंदगी भी प्रार्थना करो तो भी ढचक ढचक। समझ में आ रहा है? ये यहूदा के लोग परमेश्वर के हाथ में रहना नहीं चाहिए इसलिए उनका जो मटका था यहूदा को दर्शाता है हमको और आपको दर्शाता है और कुम्हार यीशु मसीह को दर्शाता है। वो बना रहा था बिगड़ गया यीशु मसीह फेंक दिया मिट्टी को। क्या मिट्टी का कमी है? क्या आदमी का दुनिया में कमी है? क्या आपको परमेश्वर चुन करके रखा है मेरे प्रिय लोगों आपका जीवन को मजबूत करने के लिए। उन्होंने उसी मिट्टी को लिया और एक सुंदर सा मटका तैयार किया। ताली बजाते मेरा आदरा करें मेरा परमेश्वर टूटे हुए वस्तु को तुझ नहीं जानता। यदि आप टूट करके बिखरने जैसा हो गए हैं यीशु के हाथ में टूटिए उसके हाथ में सामर्थ्य आपको दोबारा बनाने का। लेकिन जब आप टूटते हैं आप जानते हैं आप कलीसिया आना बंद कर देते हैं आप पास्टर से मिलना जुलना बंद कर देते हैं आप संगति से किच्छा किच्छा उन लोगों के अगर गुट का मौका एरिया से और से पास्टर असनगास गुटे चो आसिम में से लग गया फिर की पास्टर्स पर आदर्श धीरे धीरे पास्टर से दूरी कलीसिया से दूरी आप गलत भी हो जाता है। प्रभु के हाथ में रहो संगति में रहो आप दुख में नहीं है संगति में रहो।